5.10 क्वेश्चन है, एमां कयुं छे 0.4 केजी दळना प्रारंभमां उत्तर दिशामां 10 मीटर पर सेकंडनी झड़पथी गति करता एक पदार्थने, तो अहींया ध्यान पर राखी अने एक क्वेश्चननो पॉइंट समझीए छीए आपणे के उत्तर दिशा ने आ डायरेक्शनमां धारी छे अने उत्तर दिशा प्लस हशे तो ये कंडीशन में आप बीजू धारीशू दक्षिण दिशा हे माइनस हे आ कंडीशन हे तो अपने प्रारंभिक झड़प आपी है वी जीरो ए 10 मीटर पर सैकंड है 8 न्यूटन नु बल है ये 30 सेकंड सुधी लागे छे तो ध्यान रखवा जो टॉपिक ये है कि ये बल प्रवेग क्रिएट कर से ये हे एफ ए बराबर एफ अपॉन एम जो अपना 8 अने आ है 0.4 तो ये प्रवेग क्रिएट थो अने ए प्रवेग हे एक तो कितना समय सुधी लागसे जे भी आवतो होय एक्स प्रवेग हशे ए 0 थी 30 सेकंड सुधी ज लागे छे आटलो प्रवेग बाकी पछी अचल वेगी गति थई जशे तो t बराबर 0 एक्स बराबर 0 छे t बराबर 0 ए एक्स बराबर 0 छे तो t बराबर -5 सेकंड 25 सेकंड अने 100 सेकंड ए स्थान शोधवाना छे कॉन्सेप्ट समझवो जरूरी छे कारण के एने एक्जाम्पल गोखवानो नथी एक प्रोपर समझ साथे आपणने ख्याल आवो जोईए तो पहली कंडीशन में बतायू है टी बराबर -5 सेकंड हम आप समझिए बॉल लगे 0 थी 30 सेकंड तो आटला समयगाड़ा दरमियान प्रवेगी गति करे छे बाकी बधु अचल वेगी गति करे छे तो आ कंडीशन में -5 समय आयो तो आ बेनी वच्चे नथी तो एनो मतलब अचल वेगी गति थी अचल वेगी गति तो हवे आ जे अंतर आवशे तो अचल वेगी गति नु समीकरण एक्स बराबर वी टी आवे तो प्रारंभिक वेग 10 छे अने टाइम लख्यो छे -5 तो आपणने एक्स मळी जशे आ पहली कंडीशन में आयु बीजा में मांग्यु छे 25 सेकंडे तो टी बराबर 25 सेकंड हवे 25 सेकंड छे ए प्रवेगी गति में आवशे कारण के 0 थी 30 सेकंडनी वच्चे आई जाय छे एटले प्रवेगी गति में आवे अने ए दरमियान कपायेलुं अंतरनुं समीकरण आवे वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर एम तमे वी जीरो 10 लखो टी 25 सेकंड लखवाना छे एनी किंमत अहीं थी जे माइनस में आवे छे ए लखी सॉरी प्लस में के माइनस में कई डायरेक्शन में लागे छे बल ए समझवुं जरूरी छे 8 न्यूटन दक्षिण दिशा में लागे छे अने आपणे तो उत्तर प्लस लीधी छे तो मारा बाळक केवुं लेवुं पड़शे माइनस आवशे जे भी माइनस नो फोर्स आवे ए अहीं लखी देवानो छे अने टी बराबर 25 सेकंड तो आपणने एक्स फरी मळशे त्रण कण त्रीजी कंडीशन में कहूं छे टी बराबर 100 सेकंड माटे हवे 100 सेकंड नी वात थाय तो आनी अंदर 0 थी 30 सेकंडे आई जशे ज्यां प्रवेगी गति तो अहींया लखू छू बे भाग पाड़ीशू टी बराबर 0 थी 30 सेकंड सुधी प्रवेगी गति अने बीजो भाग आवशे के ज्यां टी बराबर 70 सेकंड बाकीना पहला 30 सेकंड प्रवेगी गति पछी अचल वेगी गति ओके आना माटे आपणे एक्स शोधीए तो एक्स वन कहीए छीए कारण के आपणे बे भाग पड्या छे एटले आ एक्स वन थशे आनुं आवशे एक्स टू तो एक्स वन बराबर प्रवेगी गति छे एटले वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर करी शकीए एमां प्रारंभिक वेग 0 थी स्टार्ट थशे तो 0 थी स्टार्ट थाय तो प्रारंभिक वेग 10 हशे समय 30 છે એ બરાબર માઇનસ જે પ્રતિપ્રવેગ અહીંથી શોધ્યો છે એ આવશે અને સમય પાછો 30 તો એક્સ વન મળી જશે હવે આપણે 30 સેકન્ડ પછી અચળ વેગી ગતિ છે તો 30 સેકન્ડ પછીનો વેગની જરૂર પડશે એ આના માટે પ્રારંભિક વેગ થઈ જશે તો વી બરાબર વી જીરો પ્લસ એ ટી કરીને ફાઇન્ડ કરવો પડશે જ્યાં પ્રારંભિક વેગ વી જીરો છે એ આપણા માટે 10 થઈ ગયો છે એ અહીંથી પ્રવેગ મળશે અને ટી 30 સેકન્ડ સુધી તો એ આપણો આનો અંતિમ વેગ થયો આ પદાર્થ સમજો કે અહીંયાથી આપણે આ રીતે ગતિ થતી હોય તો 30 સેકન્ડ સુધી અહીંયા 10ના વેગથી ગતિ સ્ટાર્ટ કરે છે 0થી 30 સેકન્ડ સુધી અહીંયા કરશે તો આનો અંતિમ વેગ થયો એ આ 70 સેકન્ડ પછીનો જે અંતર કાપવું છે એનો પ્રારંભિક વેગ થયો તો આના માટે પ્રારંભિક વેગ આ થઈ જશે હવે આ અચળ વેગી ગતિ છે અને અચળ વેગી ગતિ હોય તો એક્સ ટુ બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય હવે વેગ લઈશું આપણે આ થશે અને સમય 70 તો આ એક્સ ટુ આવી ગયો અને ટોટલ અંતર એક્સ બરાબર કેટલા થાય તો એક્સ વન વત્તા એક્સ ટુ આ રીતે ફાઇન્ડ થશે આ એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે દરેક જણા ધ્યાન રાખે આ કોન્સેપ્ટનું પહેલાં સમજવાનો ટ્રાય કરે અને પછી જ આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં અંદર જોઈએ તો જો અહીંયા મેં શરૂઆતમાં કહ્યું ઉત્તર દિશા પ્લસ લીધી દક્ષિણ માઇનસ છે પ્રારંભિક વેગ 10 આપ્યો છે પ્રવેગ શોધી કાઢો પ્રવેગ બળ દક્ષિણ દિશામાં લાગે છે એટલા માટે પ્રવેગ ઋણ હશે અને કેટલા સમય સુધી લાગે 0 થી 30 સેકન્ડ સુધી ત્યાં સુધી જ પ્રવેગી ગતિ બાકી બધી અચળ વેગી ગતિ છે
तो अहीं आपणे समझिए, पहेला माइनस पांच है तो माइनस पांच जीरो थी तीस की वच्चे नहीं आता। अचल वेगी गति तो वेग गुणा समय, प्रारंभिक वेग दस है तो आप वी जीरो इंटू टी करी शकीए। हवे अहीं टी बराबर 25 सेकंड है तो जीरो थी तीस की वच्चे आवा प्रवेगी गति थशे तो वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर, जे आपणे वी जीरो दस लखाय टी 25 थशे अने एनी किंमत अहींथी टी 25 आई जशे। हवे अहींया कह्युं छे 100 सेकंड दरमियान गति करवानी, तो 100 सेकंड एटले जीरो थी तीस सेकंड तो प्रवेगी गति आई जशे, तो जीरो थी तीस सेकंड प्रवेगी गति, 70 सेकंड है बाकी 70 सेकंड अचल वेगी गति, तो एनु प्रवेगी गति में एक्स बराबर वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर में टी 30 लखी कैलक्युलेशन करी शकाय। पण अहींया समझिए के 30 सेकंड पछी जे आनो वेग बन्यो छे ए आगळना 70 सेकंड नो प्रारंभिक वेग, तो आपणे फाइंड करवो पड़शे। तो वी जीरो टी वी जीरो प्लस ए टी एमां फाइंड करी नाखीए तो अंतिम वेग वी मळशे। ए 70 सेकंड माटे प्रारंभिक वेग है, हवे 70 सेकंड में जोवा जाइए तो पछी तो कोई बल लागतु नथी, तो अचल वेगी गति, तो अचल वेगी गति एटले वी इंटू टी आनी किंमत मूकी दो, टोटल एक्स फाइंड थशे। अहींया समझिए कॉन्सेप्ट। तो हवे आनी अंदर जे डिटेल आपी छे ए चेक करता जाइए, तो पहला ज अहींया लख्युं छे उत्तर तरफनी दिशा ध्यान लेवामां आवशे, यु प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड, त्यारबाद बल लागे छे दक्षिण दिशामां एटला माटे -8 लख्युं छे, समय छे 30 सेकंड सुधी लागे छे। हवे दळ 0.4 केजी छे तो प्रवेग शोधी काढ़िए, तो ए बराबर एफ अपॉन -8/0.4, तो आपणे -20 मीटर पर सेकंड स्क्वेर नो प्रवेग मळी गयो छे। हवे पहला आपणे -5 सेकंडे अंतर शोधीए छे, -5 सेकंडे पर कोई बळ नहीं लागे एटले अचल वेगी गति छे, अचल वेगी गति एटले यू इंटू टी आवशे, ज्यां यू नी किंमत आपणे 10 लखीए, टी थशे -5 एटले -50 मीटर मळी जशे। आ एक्स पहली कंडीशन में आयु। बीजू कहू है 25 सेकंड माटे, 25 सेकंड एटले मैं तमने आगळ वात करी 0 थी 30 सेकंड वच्चे प्रवेगी गति थशे, तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर, यू 10 लखीशू, टी 25 हशे, हाफ ए नी किंमत -20 छे एटले माइनस ऑलरेडी आगळ मूकी दीधा छे, अने टी एटले 25 नो वर्ग। तो आनु फाइंड करिए तो -6000 आंसर आवशे, तमे चेक करशो तो 6000 मीटर आवशे, एने कन्वर्ट करीने -6 किलोमीटर कर्यु छे। त्यारबाद 100 सेकंड माटे, 100 सेकंड माटे जोवा जोईए तो 30 सेकंड पछी बल लागतुं बंद थाय, तो 0 थी 30 सेकंड में प्रवेगी गति, तो अहीं आपणे समझवानो ट्राय करिए, प्रथम 30 सेकंड में प्रवेगी गति में कापेलुं अंतर तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर आवशे, ज्यां यू ना बदले 10 लखीशुं, टी 30 थशे, ए 20 थशे पण -20 छे, अने वन हाफ कर्युं टी नी किंमत 30 नो वर्ग, तो आनो आंसर आवशे -8700 मीटर थई गयुं। हवे एनो अंतिम वेग जेम मैं समझायुं तुं एम फाइंड करी नाखीए, तो अंतिम वेग छे वी बराबर यू प्लस ए टी, यू 10 लखीशुं, ए -20 अने समय छे 30, तो आपणने -590 आवशे। हवे एना पछी समझिए, तो अहींया 70 पाछळना 70 सेकंडमां कापेलुं अंतर, तो एना माटे तो अचळ वेगी अवस्था, अने अचळ वेगी एटले वेग गुण्या समय, तो वेग आपणे लखीशुं -590 अने समय छे 70, तो आपणने टोटल अंतर आयु 41300 मीटर। और टोटल अंतर चेक करिए तो x1 + x2 थाय, तो x1 + x2 -8700 आगळनुं अने -41300, तो टोटल करिए एटले -50 टूंकमां 50,000 मीटर आवशे, अने एमने आपणे 50 किलोमीटर कही शकीए छीए।